नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? अच्छे समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, और इसको देखकर बिल्कुल भी डरना है। मैंने पहले क्यों लिख दिया ये, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, सबको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारी व्हेनेवर करंट कैरी कंडक्टर, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर होता क्या? कंडक्टर जिसमें से करंट को पास किया जा सके। हमने क्या लिया, एक वायर ले ली, वायर के हमारे कंडक्टर जिसमें से करंट को पास किया जा सके। ओके, फिर मैं समझ में आया, इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसको कहां रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, मैग्नेट की वजह से, नॉर्थ मैग्नेट साउथ मैग्नेट हमारा, ठीक है, रख दिया। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए, ठीक है, इतना हो गया, समझ गए। There will be a force acting on the conductor. तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वहां क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, कंडक्टर के ऊपर। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कहां यूज हो रहा है इसमें, देखिए आगे, नोट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जो ये फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन का हमें पता कैसे लगेगा, वही पता लगाने के फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करेंगे। तो इसीलिए हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है, ऑल्सो नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर्स। और इस रूल को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन मतलब इसको और भी नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर्स। मोटर्स के लिए क्यों है, मेनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्योंकि ज्यादातर जो इसका एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स में है, ज्यादातर ये अप्लाई कहां किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, समझ गए इतना। ये फॉर्मूले को बाद में देखते हैं, अब मेन आ जाते हैं हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के। नाम क्या कह रहा, फ्लेमिंग हमारा साइंटिस्ट था, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल क्यों कह रहा है, लेफ्ट हैंड का इसमें यूज है। अब आ जाते हैं हमारे लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड कौन सा, ये वाला, ठीक है। स्ट्रेच यूर थम, थम क्या होता है, अंगूठा, स्ट्रेच क्या, यूर फोर फिंगर, ये वाली उंगली फर्स्ट वाली होती है तुम्हारी, ठीक है, देन फिर मिडल फिंगर, ठीक है, ये वाले नहीं, इनको क्या कह रहे हैं, स्ट्रेच, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या मतलब है, 90 डिग्री पर हुई तीनों, ठीक है, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है। अब इससे कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमारा करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली, फोर्स की ये वाली, ठीक है, समझ गए ना। आप कैसे ये देखिए, हमारे प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता दिया ना, थंब को स्ट्रेच कीजिए, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फोर फिंगर हमारी क्या, मिडिल फिंगर हमारी क्या दिखाई, करंट की डायरेक्शन, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और थंब फोर्स की डायरेक्शन। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ जो डेफिनेशन हमने करी, करंट कैरी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स या फिर एक्टिंग अ फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है कंडक्टर में, ये वाली है नहीं है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये वाली, यहाँ देखिए ये वाली है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ये वाली, यहाँ से जा रहा है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। तो फोर्स की हमारी डायरेक्शन क्या होगी, थंब वाली डायरेक्शन में, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या फोर्स के ऊपर की तरफ, डायरेक्शन कहाँ फोर्स के ऊपर की तरफ, किस पे लगेगा फोर्स, कंडक्टर पे लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये वाला वायर जो मान रखी इसी को मान लीजिए हमारा, ठीक, यहाँ मैग्नेट रखा है, यहाँ ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, करंट हमारा यहाँ से आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, समझे ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ये कंडक्टर है, करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ऐसे, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा अगर वायर की बात करूं मैं प्रैक्टिकली, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है ना फोर्स मार, तो यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। अब छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात और समझ ली, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया वैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूं करंट के डायरेक्शन, मेरा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ, देखो ऐसे ऐसे डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, इसमें ऐसे डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, तो मेरा क्या हो जाए, ऐसे ही बनाइए हमारा, ऐसे ही बनाइए, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे कैसे होगी करंट की डायरेक्शन, ऐसे होगी, कौन सी मिडल वाली फिंगर है ना, देखिए ये वाले, ऐसे कर लीजिए इसको, करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है, मिडल वाली फिंगर है मेरी, फोर फिंगर का ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, ऐसे ही है, ठीक है। तो मेरा फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, थंब कहाँ जा रहा है मेरा, नीचे की तरफ, देखिए थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली, और थंब कहाँ जा रहा है, फोर्स कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो जो मेरा ये कंडक्टर होगा, ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा बैंड, जो हमारी अगर वायर की बात करूं मैं, तो ऐसे हो जाएगी ना बैंड,
समझे ना बात को। तो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, क्या पता लगाता है हमारा फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले पर, F is equal to BIL, ठीक है। F क्या हमारा देखिए, where F is equal to magnitude of force acting on conductor, ठीक है, कि हमारा कितना फोर्स कंडक्टर पर लग रहा है वो क्या हमारा F, किसके इक्वल है BIL, B क्या हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है ना ये क्या B, ठीक है समझ लिए, हाँ लिख लेते हैं ये हमारा क्या B, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या B, ओके ओके। आई क्या हमारा करंट इन कंडक्टर, आई क्या हमारा करंट इन कंडक्टर, अब इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ये डायरेक्शन वाला मैंने बताई थी आपको पंडा। आई क्या हमारा करंट, तो आई क्या हमारा करंट, ओके समझ गए इतना। एल क्या हमारी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब ये जो वायर ली मैंने, ये कंडक्टर है जो हमारी वायर है, इसकी कुछ लेंथ भी तो होगी, ठीक है यहां से लेकर इसकी कुछ लेंथ भी तो होगी, वो क्या हमारी एल, ओके समझ गए बात को। अब एक ले लेते हैं फोर्स निकालने से हम कितना फोर्स है, ठीक है यहां कर लेते हैं, मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का हमारी यूनिट क्या होती है टेस्ला, मान लीजिए टू है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बीच है हमारा टू, आई क्या करंट क्या हमारा, मान लीजिए टू ही हमारा करंट बीच, या फिर थ्री मान लीजिए थ्री एम्पियर है, ओके थ्री एम्पियर हमारा करंट आई जो कंडक्टर में से जा रहा है, ओके। एल क्या लेंथ, लेंथ कंडक्टर की मान लीजिए चार मीटर हमारी, मल्टीप्लाई में फोर, तीनों मल्टीप्लाई कीजिए, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो फोर्स कितना हुआ 24, और फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी न्यूटन, तो क्या इस फॉर्मूले से आ गया नहीं आ गया फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है हमारा, ठीक है डायरेक्शन हमें पता लग गई, फोर्स हमें इस फॉर्मूले से पता लग गया, लेंथ पता होना चाहिए कंडक्टर की, करंट का पता होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता होना चाहिए। तो यहां आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका अच्छे से नोट डाउन कर सकें, ठीक है ओके हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है समझ में आया, क्या करें पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों या शेयर कीजिए वीडियो को, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करें, मैंने कर आप उनको पढ़ा रहे हैं, ओके। और क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड वाले बटन को दबाइए नीचे जाकर, फिर क्या करेंगे बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी वाला बटन होता है ना उसको दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके थैंक यू।